फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रिया कुकिंग ब्लॉग्स में। आज मैं आपके लिए पानी पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम गोलगप्पे भी कहते हैं। आपके मुंह में आ गया ना पानी फ्रेंड्स। देखिए, उसके लिए मैंने 250 ग्राम सूजी ली है और ये मैंने 100 ग्राम मैदा लिया है। ये हम सूजी के गोलगप्पे बना रहे हैं और मैं एक चम्मच इसमें नमक डालूंगी और थोड़ा सा हम रिफाइंड डालेंगे इसमें, 4 चम्मच। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और आटे की तरह गुनगुने पानी से हम गूंथेंगे। पहले हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसमें मैदा, सूजी और रिफाइंड। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे देखिए, अच्छे से हम इसे गूंथेंगे और इसे हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। अब हम पानी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने अदरक लिया, हरी मिर्च और ये हरी धनिया है और पुदीना है। इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमारा पेस्ट बन गया है। इसे हम एक कटोरी में निकालेंगे। और इसमें हम पानी ऐड करेंगे और छानेंगे इसे हम पानी डाल के। ये देखिए, ये हमारा वेस्ट मटेरियल है, ये हमारा पानी है। अब इसमें हम मिलाएंगे, सफ़ेद नमक मिलाया मैंने 2 चम्मच, आप अपने स्वाद के हिसाब से मिला सकते हैं। ये काली मिर्च का पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, ये इसमें मैंने डाला है जलजीरा पाउडर। दो पैकेट ये हमने डाला इसमें काला नमक। ये है आमचूर पाउडर, ये चंकी चाट मसाला। और हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस पानी को। आप इसमें और लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, तीखा पसंद है तो। और खट्टे के लिए हम इसमें नींबू डालेंगे। अब हम गोलगप्पे बना लेते हैं। तो उसके लिए 1 घंटा रखे हुए हो गया आटा। अब इसकी लोई काट के हम बेल लेंगे, गोल बेलिए चाहे लंबा बेलिए। इस तरह हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। देखिए, अब ये हम इस तरह से भी बना सकते हैं, कुछ आपके पास ढक्कन हो से काट सकते हैं। ये देखिए, गोलगप्पे तो फ्रेंड्स सभी को पसंद होते हैं और लड़कियों के तो फेवरेट होते हैं। और ये देखिए, हम इस तरह फिर उनको हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। ये देखिए हमारे गोलगप्पे। और आप इस तरह से भी बना सकते हैं, छोटे छोटे लोई काट के पेड़े जैसे बना के और इन्हें भी बेल सकते हैं, अगर आप उस साँचे से ना काटना चाहें तो। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। कितने अच्छे से फूल रहे हैं ये गोलगप्पे। इन्हें आप हवा में रख देंगे तो ये ऊपर से और क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए, गोलगप्पे कितने फूल रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स। ये हमारे गोलगप्पे बनके तैयार हैं। तो आ जाइए फ्रेंड्स खाने के लिए, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बने थे। इसमें मैंने ग्रीन चिली सॉस डाली है, टोमेटो सॉस, दही डालेंगे, मटर भी डालेंगे। ऊपर से ये मैंने आलू भुजिया डाली है, फिर टमाटर सॉस डाली है, दही डालेंगे। और ये खाने के लिए तैयार हैं गोलगप्पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय।